स्पीकिंग स्ट्रेटजीज इसमें यह देखना है कि जब आप बात करने लगते हो या प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको किस किस स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है ताकि ता आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सको प्लान अप्रोप्रिएटली सबसे पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपने किस टॉपिक पे बात करनी है कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं मटीरियल आपका और इन सब चीज़ों को प्लानिंग uh, में आएगी नंबर वन फर्स्ट मेक श्योर दैट यू प्लान ठीक है जो भी है प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है वेन यू डू दिस थिंक अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट आ बुक्स फर्स्ट पैराग्राफ इज इफ इट डजन ग्राब यू यू आर लाइकली गोइंग टू पुट इट डाउन द सेम प्रिंसिपल गोज़ फॉर योर स्पीच ओके okay, वो ये कह रहा है यहाँ पे कि बुक के पहले पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर वो आपकी अटेंशन ले लेता है तो आप बाकी बुक रीड करते हो अदरवाइज आप छोड़ देते हो तो बिल्कुल इसी तरह होता है स्पीकिंग के अंदर भी स्पीच में भी अगर आप शुरू में अटेंशन गेन कर लेते हो तभी बाकी लोग आपकी बात सुनते हैं फ्रॉम द बिगनिंग यू नीड टू इंटरी योर ऑडियंस प्लानिंग इज ऑल्सो हेल्प्स यू टू थिंक ऑन योर फीट दिस इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आंसर सेशन और लास्ट मिनट कम्युनिकेशन तो अगर आपने पहले से ही प्लान किया होगा तो आपको पता होगा कि आपने क्या करना है और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होगी और ये इसलिए भी हेल्पफुल होते कि जब एंड पे कोई भी मिडिल में या लास्ट में स्पीच uh, के कोई क्वेश्चन कर देता है तो अगर आपको वो वेल प्रिपेयर्ड होगी तो आप उसको आंसर कर सकोगे नेक्स्ट इज प्रैक्टिस देर इज़ अ रीज़न वाई वी से प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट यू सिम्पली कैन नॉट बी अ कॉन्फिडेंट कम्पैलिंग स्पीकर विद आउट प्रैक्टिस तो वो ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट तो इसकी बहुत बड़ी रीज़न है कि ऐसा कहा जाता है इसी से प्रैक्टिस से ही आप कॉन्फिडेंट कम्पैलिंग स्पीकर बन सकते हो टू गेट प्रैक्टिस सीख अपॉर्चुनिटीज़ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स इफ़ यू आर गोइंग टू बी डिलीवरिंग अ प्रजेंटेशन और प्रिपेयर स्पीच क्रिएट इट इज़ एज अर्ली एज पॉसिबल तो अगर मतलब जब तक आप प्रैक्टिस करने का जो भी मौका मिलता है दूसरे लोगों के सामने आप उसको फॉलो करो पूरी कोशिश करो कि आपको जितनी दफ़ा बोलने का मौका मिलता है रियल प्रेजेंटेशन या रियल स्पीच से तो वह आप उतनी दफ़ा करो ताकि जितनी दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको आ, उतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे द अगर मतलब आपको पहले टाइम मिल गया है तो आप उसको जल्दी प्रिपेयर करो और जल ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो द अर्यर यू पुट इट टुगेदर द मोर टाइम यू विल हैव टू प्रैक्टिस जितनी जल्दी आप स्पीच में लोगे उतना ही ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए देन इज प्रैक्टिस इट प्लेंटी ऑफ टाइम्स अलोन यूजिंग द रिसोर्सिस यू विल रिलाई ऑन दै ऑन द ईवेंट एंड एज़ यू प्रैक्टिस ट्वेक योर वर्थ आनटिल दे फ्लो स्मूथली एंड ईज़ीली अब आपने उसकी जो भी स्पीच प्रिपेयर की है उसको आप बहुत ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस करो समाइम्स अकेले में करो और जो आपने ईवेंट के ऊपर रिसोर्स यूज़ करने हैं फॉर एक्ज़ाम्पल आपने माइक यूज़ करना है या आपने कोई स्पीकर यूज़ करना है तो उसके साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी स्मूथली आप

अब अगर आपको पॉसिबल uh, है और कुछ लोग आपको अवेलेबल हैं तो उन कुछ लोगों के सामने ऑडियंस के सामने आप प्रेजेंट करो वो आपको ज़्यादा मतलब आप उसको uh, ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे उस सिचुएशन से भी और अपने मटेरियल से भी कि आपने क्या प्रेजेंट करना है और किस तरह और आपकी ऑडियंस आपको बड़ा अच्छा फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपने किस तरह परफॉर्म किया है और आपके कोई मटेरियल में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी और आपकी प्रेजेंटेशन कैसी थी एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है इंगेज विद योर ऑडियंस वेन यू स्पीक ट्राई टू इंगेज योर ऑडियंस जब आप बात कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि ऑडियंस को उसमें एंगेज करें दिस मेक्स यू फील लेस आइसोलेटेड एज अ स्पीकर स्पीकर एंड कीप्स एवरी वन इन्वाल्व विद योर मैसेज तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आप खुद से अकेले बोल रहे हो इससे ऐसे लगेगा कि जैसे आप बाकी सबसे बात कर रहे हो वो सब भी आपके इस प्रेजेंटेशन में इक्वली इन्वॉल्व हो इफ़ अप्रोप्रिएट आस्क लीडिंग क्वेश्चन टारगेट टारगेटेड टू इंडिविजुअल और ग्रुप एंड इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट एंड आस्क क्वेश्चन अगर उस प्रेजेंटेशन की डिमांड ऐसी है या उसमें यह मुनासिब लगता है तो आप उनसे लीड क्वेश्चंस पूछो लीड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि अगर आप नेक्स्ट कोई मतलब आ, किसी भी ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर पोल्यूशन की बात करें और बीच में इन्वायरमेंट पोल्यूशन को ऐड करना चाह रहे हो तो आप उनसे पहले पूछ लो कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन का क्या रोल है इन वाटर पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करती है या नहीं करती है तो जो ऑडियंस है इसके बारे में सोचेंगे और आंसर देना शुरू करेंगे तो उनकी इन्वॉलमेंट हो जाएगी तो इससे आपको थोड़ा सा पॉज भी मिल जाएगा और इसके इंटरेक्ट इंटरक्टिव सेशन भी हो जाएगा ऑडियंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी आपकी प्रजेंटेशन में ऑल्सो पे अटेंशन टू हाउ यू आर स्पीकिंग इफ़ यू आर नर्वस यू माइट टॉक क्विकली तो इसमें आपने ये भी देखना है कि आप किस तरह बोल रहे हो अगर आप तेज़ बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप नर्वस हो दिस ऑल्सो इंक्रीज द चांस दैट यू विल ट्रिप ओवर योर वर्ड्स एंड से समथिंग यू डोंट मीन और इसके जब तेज़ तेज़ बोलोगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने वर्ड्स से ज़्यादा बोल दोगे और जो आपने नहीं भी बोलना होगा वो भी आप जल्दी में बोल दोगे force yourself to slow down by breathing deeply. don't be afraid. Uh, to gather your thoughts pause are as uh, as an important part of conversation and they make you sound confident, natural and authentic. अब अगर आप बीच में break ले रहे हो या slow बोल रहे हो तो उसमें आपने परेशान नहीं हो ना क्योंकि pause uh, लेना uh, like important part है conversation का और Uh, जब आप इजीली uh, कंफर्टेबल बोल के कंफर्टेबल uh, होकर बोल रहे होते हो तो आपकी आवाज़ और आपका बोलने का तरीका कॉन्फिडेंट भी होता है नेचुरल भी होता है और अथेंटिक लगती है आपकी बात फाइनली अवॉइड रीडिंग वर्ड फ्रॉम वर्ड फ्रॉम योर नोट्स इंस्टेंट मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन क्ल्यू कार्ड और एज यू गेट बेटर एट्स पब्लिक स्पीकिंग ट्राई टू मेमोराइज वॉट यू आर गोइंग टू से यू कैन स्टिल रेफर बैक टू योर क्लू कार्ड वेन यू नीड दैम पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज अब आपने इसमें क्या है कि जब आप अपने वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करने की कोशिश करनी बल्कि मेन पॉइंट्स वहाँ पर लिखने हैं और उन मेन पॉइंट्स को ही आपने ख़ुद से एक्सप्लन करना है अब जिस तरह मैं यहाँ पे आपको पहले वर्ड टू वर्ड रीड करती हूँ उसका ट्रांसलेट करती हूँ और वही एक्सप्लेन करती हूँ इस तरह नहीं बुलेट पॉइंट्स में पॉइंट्स होने चाहिए क्योंकि मैंने आप लोगों को मटेरियल देना होता है पेपर के लिए कि आप मतलब उसको फॉलो कर सको प्रेजेंटेशन के अंदर आपने अपना कॉन्सेप्ट समझाना होता है बुलेट पॉइंट्स में और बाकी उन्हें उनका फॉलोअप ख़ुद से करना होता है और कोशिश करें कि जो जो आपने बातें करनी है वो आपको मेमोराइज़ हो जाए और अगर नहीं में मेमोराइज़ होती हैं तो आपके पास क्ल्यू कार्ड होगा तो आप उसको किसी टाइम भी दे सकते हैं ओके पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज अब आप किस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज है उस पर भी आपने ध्यान देना है इफ़ यू आर अन अवेयर ऑफ़ इट्स योर बॉडी लैंग्वेज विल गिव योर ऑडियंस कंसेंट सब क्ल्यू अबाउट योर इनर स्टेट इफ़ यू आर नर्वस और यू आर इफ़ यू डोंट बिलीव इन वॉट यू आर सेंगे ऑडियंस कैन सोन नो ओके जब आप uh, प्रजेंट uh, कर रहे होते हो या बोल रहे होते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से बाकी लोगों को आइडिया हो रहा होता है अगर आप नर्वस हो या आप जो बात उनको कन्वे करना चाह रहे हो फॉर uh, एग्ज़ाम्पल अगर आप कह रहे हो कि स्मोकिंग बहुत बुरी बात है और आपको नहीं करना चाह रहे अ, अ, करनी चाहिए लेकिन आप ख़ुद स्मोकिंग करते हो और लाइक आपने अ, दो मिनट पहले ही स्मोकिंग कर रहे हो और बहुत से ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जो आपको जानते हैं और उनको पता है कि आप स्मोकिंग कर रहे थे कुछ देर पहले ही तो वो आप ख़ुद कॉन्फिडेंट नहीं बोलोगे आप खुद उस बात पे बिलीव ही नहीं करते हो कि ये इतनी कोई डेंजरस चीज़ है या सीरियस चीज़ है और यही सब चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को भी पता चल जाएंगी और वो फिर आपकी बात को उस तरह नहीं सुनेंगे मतलब आप पे बिलीव नहीं करेंगे और आपकी बात पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज स्टैंड अप स्ट्रेट टेक डीप ब्रेथ लुक पीपल इन द आई स्माइल डोंट लीन ऑन वन लेग और यूज जस्ट दैट फील अन अब आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ही इंपॉर्टेंट है Uh, उसके अंदर आपने क्या करना है आपने बिल्कुल सीधा खड़ा होना है किसी चीज़ के साथ लग के नहीं खड़ा होना किसी साइड पे झुक के नहीं खड़े होना और आप सॉरी आपने डीप ब्रेथ लेनी है अगर आपको लाइक नर्वस हो के लाइक वैसे सांस नहीं लेनी कंफर्टेबली इजी तरीके से सांस लेनी है जैसे कोई इशू नहीं है लुक uh, uh, लोगों की आँखों में देखना है स्माइल उनको करना है आपने अपने जस्चर ऐसे नहीं बनाने कि आप कंफर्टेबल नहीं हो और फोर्स हो के यहाँ पर आए हुए हो बल्कि आपने अपने आप को एक कैजुअल सी ईज़ वाली लुक देनी है कैजुअल नहीं ईज़ वाली लुक कि आप बहुत कंफर्टेबल हो उस सिचुएशन में थिंक पॉजिटिवली थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द सक्सेस ऑफ योर कम्युनिकेशन बिकॉज इट फी हेल्प्स यू फील मोर कॉन्फिडेंट अब इसमें क्या है कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देते हो uh, फिर मेक इट ऑल टू ईजी टू स्लिप इनटू अ सर्कल ऑफ़ नेगेटिव सेल्फ टॉक स्पेशली राइट बिफोर यू स्पीक वाइल बेस्ट स्टॉपिंग थाट सच एज आई विल नेवर बी गुड एट दिस और आई एम गोइंग टू फॉल फ्लैट ऑन माई फेस लोअर योर कॉन्फिडेंट एंड इंक्रीज द चांसेस दैट यू वॉन्ट अचीव what यू आर ट्रूली कैपेबल ऑफ अब क्या है जब आप किसी फेयर में आ जाते हो या नेगेटिव thought में आ जाते हो तो उसका सर्कल जो उनसे आपके माइंड में चलना शुरू हो जाता है और जब आप प्रजेंट करने के लिए जा रहे हो उसे कुछ देर पहले बिल्कुल भी ऐसा ना सोचो कि मैं ये नहीं कर सकता और ये मेरे से कभी भी नहीं होगा इससे आपका ही कॉन्फिडेंस कम होगा और जो आप कर भी सकते होगे तो वो आप नहीं कर सकोगे बिकॉज आप नेगेटिव थाट्स में इंटेंगल्ड होगे Watch recording of your speeches. Uh, whenever possible, record your presentation and speeches. You can improve your speaking skills dramatically by watching yourself later and then work on improving in areas that didn't go well. अब आपके पास एक और चांस है कि आप जब भी प्रेजेंट कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपनी प्रेजेंटेशन या स्पीच को रिकॉर्ड कर लो उससे क्या होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कैसे हो जाएगी क्योंकि आपने रिकॉर्ड किया हुआ अपने आप को आप उसको एक नज़र देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि लोग आपको किस तरह देख रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या इशू था आपकी स्पोकन में क्या इशू था आप कहाँ पर हिचकिचा रहे हो या मतलब क्या चीज़ है जो आप सही नहीं बोल पा रहे हो तो वो आपको जब पता चल जाएंगी तो आप उसी पार्ट पे वर्क करोगे और बहुत ज़्यादा आपका बेहतर हो जाएगी प्रेजेंटेशन या स्पीच एज यू वॉच नोटिस एनी वर्बल स्टॉल सच एज और लाइक लुक एट योर बॉडी लैंग्वेज आर यू स्लाइंग लीनिंग ऑन पॉडम और लीनिंग हैविली ऑन वन लैक आर यूट दिड यू स्म डिट यू स्पीड क्लियरली है जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई आप वर्बल स्टॉल बोलते हो जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं और लाइक like का वर्ड यूज़ करते हैं आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा कि आप सुबह सीधा खड़े हो या कहीं पर खड़े हो रहे हो क्या आपने कॉन्फिडेंटली स्माइल किया है या हेजिडेंटली स्माइल किया है और आपने सारा टाइम क्लियर बोला है या नहीं बोला पे अटेंशन टू योर जेस्टर्स डू दे अपेयर नेचुरल और फोर्स मेक श्योर दैट द पीपल कैन सी देम स्पेशली इफ यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड पॉडम अब आपके जेस्टर्स कैसे हैं इस पर भी आपको पता चल जाएगा रिकॉर्डिंग से आप किस तरह अपेयर हो रहे हो प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंट uh, हो या लाइक like, ऐसे लग रहे हैं आपको फोर्स करके वहाँ भेजा हुआ है और लोग आपको uh, किस तरह देख रहे हैं अगर मतलब पॉडम के बगैर uh, पीछे खड़े हो तो आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो या उसमें भी आप नर्वस फील हो रहे हो ओके okay, यहाँ पे ख़त्म होती हैं आपकी स्पीकिंग स्ट्रैटी तो इनको आप देख लें